सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M30s के रिकॉर्डिंग यहाँ पे एंड्रॉइड 11 एंड ओनी वाई 3 के अपडेट के बारे में। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मोबाइल से अपडेटेड वीडियो कोई भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M30s के रिकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M30s के अंदर आपको एंड्रॉइड 11 एंड ओनी वाई 3 का अपडेट देखने को बहुत ही जल्द मिलने वाला है। सो चलिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे डेट भी कब तक आपको इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने को मिल सकता है। सो मैं आपको बता दूं कि यहां पे मैं फाइनल डेट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि मिल ही जाएगा। सो मैं आपको बता दूं कि ये तो कंफर्म है कि यहां पे सैमसंग गैलेक्सी M30s के अंदर यहां पे एंड्रॉइड 11 एंड ओनी वाई 3 का अपडेट देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहां पे जैसा कि आपको पता है सैमसंग गैलेक्सी M30s यहां पे लॉन्च हुआ था आउट ऑफ द बॉक्स यहां पे एंड्रॉइड पाई पे, जिसको अभी तक इसको यहां पे फर्स्ट मेजर ओएस ही अपडेट देखने को मिला है, वो है एंड्रॉइड 10 का। यहां पे इसको सैमसंग गैलेक्सी M30s के अंदर यहां पे एंड्रॉइड 10 का अपडेट आपको 2020 में आपको मिल गया था। सो अभी तक एक ही मेजर ओएस अपडेट मिला है, और जैसा सैमसंग ने अपने मिड रेंज स्मार्टफोन को यहां पे दो ही मेजर ओएस अपडेट प्रोवाइड कराता है, और यहां पे सैमसंग गैलेक्सी M30s के अंदर अभी तक एंड्रॉइड 11 एंड ओनी वाई 3 का अपडेट देखने को नहीं मिला है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पे सैमसंग गैलेक्सी M30s के अंदर यहां पे एंड्रॉइड 11 का जो है अपडेट यहां पे आपको सैमसंग ने यहां पे बीटा में भी प्रोवाइड करा सकता है, बीटा में भी अपडेट दे सकता है, लेकिन ये अच्छा रहेगा कि बीटा में ही अपडेट दे देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल डायरेक्टली अगर आता है तो उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे बग आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा कि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M30s के अंदर एंड्रॉइड 11 एंड ओनी वाई 3 का अपडेट जो है बीटा में ही देखने को मिले, ताकि यहाँ पे आपको इसमें कुछ बग भी देखने को मिले तो यहाँ पे एंड्रॉइड 11 एंड ओनी वाई 3 का अपडेट स्टेबल अपडेट में आपको इसको फिक्स कर दिया जाए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही मोबाइल से अपडेट रिलेटेड वीडियो देखना है तो। सो बस तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।